ओके, हाय एवरीवन, हेयर इज रश्मि। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था सीजर ब्लॉक सिफर और स्ट्रीम सिफर में डिफरेंस क्या होता है। दिस इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वीडियो, तो उसमें दो शब्द के प्रयोग हुए थे जिसमें आए थे आपके कंफ्यूजन और डिफ्यूजन। तो मैंने बोला था उसके लिए अलग से वीडियो शूट करूंगी, इसीलिए मैंने इसको कर लिया। ठीक है, तो ये जो आपका कंफ्यूजन डिफ्यूजन है, ये भी क्या है, इसको आज हम लोग समझेंगे। दिस इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है आपको समझना। 5 मिनट का टाइम दीजिए, आपको सब अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप करते क्या है, देखिए पूरा जो सब्जेक्ट है आपका एक ही काम है, प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना है कि नहीं। तो प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं। अब उसमें दो तरह का टेक्निक्स होता है, एक आप लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा लगाते हैं आप परम्यूटेशन मेथड, है कि नहीं। तो ये जो कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन है ना, असल में ये उससे अलग नहीं है। कन्फ्यूजन जो है ये भी एक प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के तरीके को ही सपोर्ट बता रहा है। तो जो आपका जो कंफ्यूजन टेक्निक है, ये ट्रांसपोजिशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड को सपोर्ट करता है, ठीक ना। कंफ्यूजन मतलब क्या होता है, अच्छा ऐसे भी समझिए, देखिए एक मजे की बात है, कंफ्यूज कर जाते हैं आप। अच्छा ये कंफ्यूज कैसे हो जाएगा, कि आप देखना चाह रहे हैं एक्स और दिखे वाई, तो फाइनली आप क्या हो जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, है कि नहीं। आप देखना चाह रहे हैं एक्स, है ना, और आपको क्या दिख रहा है वाई, तो आप क्या करेंगे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे ना। दैट इज व्हाई इट्स नेम इज कंफ्यूजन। सब्स्टिट्यूशन में यही तो आप करते हैं। आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट में लेटर लिखा रहता है, उस लेटर को आप क्या करते हैं, दूसरे लेटर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सही है कि नहीं है। तो ये जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आप लेटर को, दिस टेक्निक इज कॉल्ड कंफ्यूजन, है ना। इसका नाम कंफ्यूजन क्यों दिया गया, क्योंकि जो सिफर टेक्स्ट है उसमें आपका प्लेन टेक्स्ट से जब सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है, तो वो कंफ्यूजन सब्स्टिट्यूशन बना देता है। तो पहली बात आपको क्या याद रही, कि कंफ्यूजन जो है वो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को सपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरा क्या याद रहा, कि जो मेरा डिफ्यूजन टेक्निक है इसमें क्या होता है, परमुटेशन वाली बात होती है। परमुटेशन में आपको क्या बताया, आपने बचपन से क्या पढ़ा है, देखिए परम्यूटेशन में आपने देखा है कि भाई उसमें रीअरेंज कर दिया जाता है, लेटर को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाता है, लेटर लेटर के पोजीशन को रीअरेंज कर दिया जाता है कि नहीं। जैसे सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करते हैं, अगर ए है तो ए को रिप्लेस आप किसी दूसरे लेटर से कर दिए, मे बी बी, मे बी एक्स, मे बी जेड, दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ कंफ्यूजन, ओके। और डिफ्यूजन में क्या होता है, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, कि ए बी ही रहेगा, लेकिन ए के पोजीशन पर आप बी लिख सकते हैं, बी के पोजीशन पर क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा। मतलब लेटर को आपने रीअरेंज करके प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, सिफर टेक्स्ट में, एंड दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज कर दिया आपने, डिफ्यूजन। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि कंफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या है। क्या समझा, कि कंफ्यूजन और डिफ्यूजन दोनों प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का ही व्यवस्था का नाम है। लेकिन वो सारे व्यवस्था, वो सारे एल्गोरिदम जो आपके सब्स्टिट्यूशन पे काम करते हैं, वो कंफ्यूजन कहलाएंगे, और जो आपके परम्यूटेशन पे काम करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, डिफ्यूजन। क्लियर हो गया। तो अब देखिए सेकंड पॉइंट आपका क्या है, एग्जांपल भी जरूर दे दीजिएगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन में ए को बी से या किसी भी और लेटर से रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि परम्यूटेशन में लेटर को रीअरेंज किया जाता है, ठीक। तो यहाँ हमने देखिए ए को बी से रिप्लेस किया, दिस मे बी कॉल्ड सिफर टेक्स्ट, सीजर सिफर, राइट। अब ट्रांसपोजिशन में क्या होगा, ए बी सी डी है, तो देखिए ए के जगह हमने डी लिख दिया, बी के जगह ए लिख दिया, सी के जगह सी ही रहने दिया, डी के जगह बी लिख दिया, तो आप रीअरेंज कर सकते हैं कुछ कैसे भी, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर हो गया, मोटा मोटी तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये कहता है कि ये जो क्रिएट करता है कंफ्यूजन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फेंट सिफर, है ना, फेंट हो गया, आपने उसमें चेंज कर दिया, ठीक है, फेंट हो गया। और ये जो क्रिएट करता है, इसको आप क्या कहते हैं, क्रिएट टू क्रिएट क्रिप्टिक प्लेन टेक्स्ट, है ना। डिफ्यूजन किस जो क्रिएट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये क्रिप्टिक प्लेन टेक्स्ट को ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, क्रिप्टिक, उसको हम लोग क्रिप्टिक टेक्स्ट बोलेंगे, है ना। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, कि ये जो है किसके सब्स्टिट्यूशन जो है, सॉरी कंफ्यूजन जो है वो किस एल्गोरिदम पे काम करेगा, तो सब्स्टिट्यूशन पर। सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिख दीजिएगा, कि डिफ्यूजन जो है वो किस पर काम करेगा, परम्यूटेशन पर। क्लियर हो गया ना, दो पॉइंट एग्जांपल के साथ। अब कहता है कि अब देखिए जैसे सब्स्टिट्यूशन में अगर एक बिट को आपने क्या किया, मॉडिफाई किया, सेक्रेट, सेक्रेट मतलब आप छुपा के मॉडिफाई करते ना, दैट इज व्हाई लिखा आपने कि वन बिट विद इन द सेक्रेट्स मॉडिफाइड मोस्ट और ऑल ऑफ द बिट्स विद इन द सिफर टेक्स्ट विल आल्सो बी मॉडिफाइड। मतलब अगर एक बिट को आपने किसी दूसरे बिट से रिप्लेस कर दिया,
दिया, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया। तो प्लेन टेक्स्ट में जितने भी ए ए एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो सारे ए क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। समझ में आ रही है ना हमारी बात, है ना, कि एक को अगर हमने रिप्लेस किया तो प्लेन टेक्स्ट के सारे ए को रिप्लेस करना होगा। उसी तरीके से अगर आपने क्या किया, इमेज यहाँ शब्द क्यों प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो आप प्लेन टेक्स्ट लिखते हैं तो वो आपका एक इमेज बन गया, और उसके पोजिशन को जब आप चेंज करते हैं तो वो भी दूसरा इमेज बन जाता है ना। तो ये कहता है कि वन इमेज विद इन द प्लेन टेक्स्ट इज मॉडिफाइड, तो आपका क्या होगा, वो जितने भी इमेज उसमें लिखे हुए होंगे वो सब का जो है वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, डिफ्यूजन में इमेज शब्द का प्रयोग करिएगा और कंफ्यूजन में बिट शब्द का प्रयोग करिएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, भेगनेस इंक्रीज होगा। अच्छा, आप कहिएगा ना कि मैम सच में भेग हो गया, कि भाई एक्स को वाई से आपने रिप्लेस कर दिया तो कुछ भी क्लियर नहीं है, सब भेग भेग हो गया है ना। तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन के वजह से वेगनेस इंक्रीज करेगा, जबकि आपका जो डिफ्यूजन है उसमें क्या होगा, वेगनेस तो कुछ नहीं आएगा लेकिन रिडंडेंसी इंक्रीज कर जाएगा। क्या रिडंडेंसी, मतलब रिपीटेशन इंक्रीज करेगा, है ना। आप पोजीशन को इधर उधर चेंज कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका रिडंडेंसी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूजन में आप लिखेंगे वेगनेस इंक्रीज होगा, और डिफ्यूजन में आप क्या लिखेंगे, रिडंडेंसी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, बात क्या है, स्ट्रीम सिफर और ब्लॉक सिफर दोनों जो होता है वो किसको यूज करता है, आपका कंफ्यूजन को। आपको याद होगा ब्लॉक सिफर में मैंने क्या बोला था, कि जब आप प्लेन टेक्स्ट को ब्लॉक, एक एक ब्लॉक को प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक बाय ब्लॉक आप सिफर टेक्स्ट में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो वो भी ब्लॉक सिफर कहलाता है ना। और ब्लॉक का साइज कम से कम क्या होना चाहिए, 64 बिट का होना चाहिए, और ज्यादा भी हो सकता है ना, है कि नहीं, लेकिन कम से कम। जबकि जो क्या स्ट्रीम सिफर होता है उसका बिट साइज प्लेन टेक्स्ट का कितना होना चाहिए, 8 बिट, उसको आप सिफर में कन्वर्ट करते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना। तो ये जो स्ट्रीम सिफर और ब्लॉक सिफर दोनों किस टेक्निक को यूज करता है, कंफ्यूजन को, जबकि डिफ्यूजन ब्लॉक सिफर जो है वो किसको यूज करता है, सिर्फ डिफ्यूजन को, है ना। कंफ्यूजन स्ट्रीम और ब्लॉक दोनों में यूज होता है, जबकि डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ किस में यूज होता है, तो आपने कहा ब्लॉक में, बिल्कुल सही है ना। कंफ्यूजन किस में यूज होता है, ब्लॉक और स्ट्रीम दोनों सिफर में, जबकि डिफ्यूजन जो है सिर्फ किस में यूज होगा, ब्लॉक सिफर में। क्लियर। लास्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन द सिफर टेक्स्ट एंड द की इज मास्क्ड बाय कंफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि जो रिलेशन होता है सिफर टेक्स्ट और क्या की क्या है, जिससे आप क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं आप कैरेक्टर को, है ना, जो आपको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में मदद कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन में सिफर और की, सिफर टेक्स्ट और की को क्या किया जाता है, मास्क किया जाता है, किससे, कंफ्यूजन से, है ना। जबकि इसमें क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट इज मास्क, रिलेशन बिटवीन द प्लेन टेक्स्ट इज मास्क बाय कंफ्यूजन, है ना, सॉरी डिफ्यूजन। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, इसमें मास्क हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात। तो कुल मिलाकर के आपको क्या पता पड़ा, आपको पता पड़ा कि आपका जो है क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो है प्लेन टेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन प्लेन टेक्स्ट एंड सिफर टेक्स्ट लिख देना होगा, ठीक है, एंड सिफर टेक्स्ट, ठीक है, रिलेशन बिटवीन प्लेन टेक्स्ट एंड सिफर टेक्स्ट इज मास्क्ड बाय, है ना, डिफ्यूजन। क्लियर हो गया कि इसमें जो मास्क होगा बाय डिफ्यूजन वो क्या क्या होगा, तो डिफ्यूजन में होगा प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट मास्क बाय डिफ्यूजन, जबकि आपके जो कंफ्यूजन है उसमें किसका किसका मास्किंग होगा, सिफर टेक्स्ट और की का मास्किंग होगा इन केस ऑफ कंफ्यूजन। समझ में आ गई ना हमारी बात। तो ये था आपका कंफ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा समझना। ये कई बार आपके शब्द प्रयोग में आ जाते हैं जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, या फिर आपका क्या होता है बताइए, एक तो उसमें आ जाता है, या फिर जैसे ब्लॉक सिफर सीजर सिफर में जब आप डिफरेंस बताते हैं स्ट्रीम सिफर में, तो वहां पे भी लिखना होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा 5 मिनट का एक वीडियो इस पे शूट कर दूं। तो ये उम्मीद है आपको कंफ्यूजन और डिफ्यूजन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि भाई ये आपका कंफ्यूजन जो है वो सब्स्टिट्यूशन पे काम करता है, और ब्लॉक और स्ट्रीम दोनों सिफर में यूज होता है, जबकि आपका जो और इसमें जो मास्किंग होता है वो किस कंफ्यूजन से किसका मास्किंग होता है, कंफ्यूजन से सिफर टेक्स्ट और की का, है ना, जबकि आपका डिफ्यूजन में मास्किंग किसका होता है, डिफ्यूजन मेथड से प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट का, है कि नहीं। और ये किस पर काम करता है, तो आपने क्या बोला, किस पर काम करता है, बोलो,
तो ये काम करता है परमुटेशन पर, है ना। इसमें कैरेक्टर वही रहता है, सिर्फ उसका पोजीशन चेंज हो जाता है। और ये किस में काम आता है? सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक सिफर में काम आता है, ठीक है ना। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब, है ना। और हम लोग बहुत जल्दी आपको दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। तो दूसरे में आपको डीईसी ब्लॉक सिफर के टाइप्स को पढ़ाएंगे, बताएंगे विद डायग्राम एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो बहुत जल्दी हम लोग उसमें मिलेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।